हेलो फ्रेंड्स, मैं सीबू गेम पोर्टल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं ग्रैनी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं। कई लोगों ने मुझसे शिकायत की थी कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आपको मेक श्योर कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए मेरे चैनल में जाइए। उसके होम पेज में जाके सब्सक्रिप्शन के बगल में जो बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए, तो उसमें तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। ऑल में क्लिक करके आप डन कर दीजिए, उसके बाद हम मेरे पूरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो से मैंने अपने चैनल में एक और सेक्शन चालू किया है। मैं हर वीडियो के एंड में एक शाउट आउट दूंगा, यानी मेरे फैंस के कमेंट्स लास्ट में पढ़ूंगा मैं हर वीडियो के। मैं सेलेक्ट करूंगा जिसके कमेंट्स सबसे अच्छे होंगे, उनको हर एक वीडियो में चांस दूंगा। तो इस वीडियो के लकी फैंस को देखने के लिए, उनके मैसेजेस को देखने के लिए, या हो सकता है वो आपका ही मैसेज हो, लास्ट तक इस वीडियो को देखना जरूर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आउटविट मोड में जाके आपको करना यह है कि प्लेयर साइज जो रहता है उसको घटाना है, उसको जीरो तक करना है, ताकि आप एक एंटमैन बन जाए, यानी इतने छोटे हो जाएं कि आप कहीं भी जा सकें। आप देख सकते हैं बेड और बाकी चीज़ें कैसी दिखने लगी है, एकदम ही अलग नज़र आता है। घर जहां आप घुस नहीं सकते थे, अब वहां आराम से एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मोड है, बहुत मज़ा आता है घर को ऐसे देख के, क्योंकि आपने इस एंगल से कभी घर को ऐसे नहीं देखा होगा। काफ़ी मज़ा आता है, इतनी सारी जगह मिलते हैं छुपने की, जहाँ जो आपने इमेजिन भी नहीं की थी। ये देखिए, ग्रैनी आ गई, मैं इसके नीचे छुप गया, उसे मालूम है मैं इसके नीचे हूँ, लेकिन वो नहीं आ सकती। तो ये एक नया जगह है जहाँ आप छुप सकते हैं, भागना पड़ेगा क्योंकि ग्रैनी आपके पीछे ही होती है। मैं आपको इस वीडियो में इतनी सारी जगह दिखाऊंगा छुपने की कि आपने इमेजिन भी नहीं की थी। तो चलिए भागते हैं, ये दूसरी जगह है जहां आप छुप सकते हैं। ग्रैनी को पता है आप यहां पर हैं, लेकिन वो आप तक नहीं आ सकती, इसलिए कोने में जाइए और फिर देखिए ग्रैनी आपको कुछ नहीं कर सकती, और तुरंत भागिए। तो इसके बाद एक और जगह मैं आपको किचन में दिखाता हूँ, ये टेबल। इस टेबल के नीचे आप आराम से जा सकते हैं, ग्रैनी आपको नहीं पकड़ पाएगी। तो खूब मज़ा आता है इस तरीके से घर में घुसने में और घूमने में। आप भी आउटविट का ये मोड ट्राई जरूर करिएगा, जिसमें अपने साइज को रिड्यूस करके आप घर में कहीं भी घूम सकते हैं। और मैं एक और इसके बाद आपको जगह दिखाता हूँ, ये बेसमेंट। बेसमेंट में आप बेंच के नीचे भी छुप सकते हैं, जहाँ ग्रैनी आपको नहीं देख पाएगी। इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा ताकि ग्रैनी मेरे पीछे आए। ये देखिए, अभी मुझे ढूंढ रही है, जैसे ही उसने मुझे देखा फिर मेरे पीछे आ गई। तो यहाँ आप छुप सकते हैं ग्रैनी से बचने के लिए, फिर यहाँ से भागते हैं। तो मैं आपको गैराज में दिखाता हूँ, गैराज में आप किस तरीके से छुप सकते हैं। कार है और इसके नीचे ये बेंच है, बेंच के नीचे आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको आवाज़ करना पड़ेगा, कार के नीचे भी जा सकते हैं आप। देखिए काफ़ी जगह होती है, कार का दरवाज़ा खोल दीजिए तो ग्रैनी आएगी। ये देखिए, वेट करते हैं ग्रैनी का। ग्रैनी ये लीजिए आ गई, और देखिए अब मुझे नहीं देख पाएगी वो, मैं अच्छी जगह छुपा हूँ। उसको पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, आप जब भी जाते हैं तो आपका पीछा ज़रूर करती है, लेकिन आप तक नहीं पहुँच जाती। तो जल्दी से भाग के मैं कार के नीचे जाता हूँ। अब ये देखिए, अब कार के नीचे मैं हूँ और ग्रैनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये एक और नई जगह है जहाँ आप छुप सकते हैं। इसमें इस मोड में, यानी कि आप अगर एंटमैन बन जाते हैं, इतने छोटे बन जाते हैं, तो इनफाइनाइट, कोई सीमा नहीं है, आप कहीं भी घर में छुप सकते हैं, ग्रैनी आपको कुछ नहीं कर सकती। फिर तो गेम ये इतना ईजी हो जाता है कि पूछिए मत। घर में फ्रीली आप ग्रैनी की आंखों के सामने से घूम सकते हैं, और कई बार वो आपको नोटिस तक नहीं करती है। तो अभी तो ग्रैनी फिलहाल चली गई, तो मैं आपको और जगहें दिखाता हूँ जहाँ आप आराम से छुप सकते हैं, और इसमें भी आप फंस सकते हैं कांटे में, तो उससे बच के रहिएगा, हालांकि आप निकल जाएंगे ईजिली। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये जगह जो सोना है, यहाँ पर इस बेंच के नीचे आप छुप सकते हैं अगर ग्रैनी आएगी तो। बाकी ये रेडिएटर है जिसमें से भाप निकलती है, इसके नीचे भी आप छुप सकते हैं। तो इस मोड में, यानी कि आप जब छोटे हो जाते हैं, तो कोई सीमा नहीं है कि आप घर में कहीं भी छुप सकते हैं, बहुत सारी जगह है जहां आप आराम से छुप सकते हैं। एकदम सिंपल ट्रिक है, आपको केवल अपना साइज छोटा करना है। तो हम ग्रैनी का वेट करते हैं। ग्रैनी, देखिए मैंने आवाज़ की है और ग्रैनी ने मुझे देखा, और मैं भागना पड़ेगा। ये देखिए, तो यहाँ बाथरूम में भी
अब टब के नीचे जा सकते हैं। हालांकि ये ग्लिच है, ये देखिए इसमें मैप अजीब सा दिखने लगता है, पर आप यहाँ आराम से छुप सकते हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि नीचे बेस ही नहीं है, मैं नीचे गिरूंगा ऐसा लगता है। और इसके कमोड के पीछे भी आप छुप सकते हैं, लेकिन कमोड के पीछे थोड़ा रिस्क है, थोड़ा भी आपने बाहर निकला तो ग्रैनी आपको मार देती है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस मोड की ये है कि जैसे ही आप फ्री होते हैं और दूसरा दिन चालू होता है, उसके बाद ग्रैनी आपको नहीं देख पाती। जादू, बिल्कुल जादू होता है, ग्रैनी आपको बिल्कुल नहीं देख पाती है कि आप कहाँ पर हैं। उसके बाद आप तो चाहे तो उसके पैर के नीचे भी जा सकते हैं, और फर्स्ट टाइम दोस्तों आपको ग्रैनी का पैर दिखेगा एकदम क्लोज। ये देखिए ये ग्रैनी का पैर है, दो पैर यहाँ पर, जो आपको अप एंड क्लोज दिखेगा अगर आप एंटमैन बन गए तो। तो अब यहाँ से मैं एक और जगह आपको दिखाता हूँ जहाँ आप छुप सकते हैं और अब बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। तो आपको करना ये है कि अपने आपको इधर एडजस्ट करना है और यहाँ कूदना है। तो ये देखिए ये जो कबर्ड है उसके ठीक ऊपर आप गिरेंगे और यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलता है ग्रैनी को देखने का। आई एम श्योर कि आपने ग्रैनी बहुत बार खेला होगा लेकिन ये नज़ारा नहीं देखा होगा। यहाँ से बैठ कर ग्रैनी को देखने का मज़ा ही कुछ और है भाई। तो एंटमैन बन के खेलने का जो मज़ा है, बहुत ही मज़ा आता है ग्रैनी गेम खेलने से, वो आपको देख ही नहीं पाती। देखिए आप घंटी बजाते हैं वो आपको नहीं देख पाती, उसके बाद आप जस्ट उसके नीचे भी आ जाते हैं तब भी वो आपको नहीं देख पाती। तो ये बहुत ही मज़ेदार मोड है, ज़रूर खेलिएगा इस मोड को। और घर में काफ़ी सारी जगह हैं जो आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ जहाँ जहाँ आप छुप सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आप कहीं भी छुप सकते हैं। इसके बाद ये देखिए इस रूम को दिखाता हूँ, तो यहाँ एक बेंच है जिसके नीचे आप छुप सकते हैं, जिसमें कभी कभी आइटम रखा रहता है। फिर आगे चलते हैं तो इस रूम में देखते हैं, तो यहाँ भी एक छोटा ड्रॉअर रखा है जिसके स्टैंड के नीचे आप छुप सकते हैं। ये टैडी वाला रूम है, टैडी रूम वाले रूम में खैर ग्रैनी नहीं आ पाती है, लेकिन देखिए यहाँ का नभी नज़ारा जब आप एंटमैन बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। तो उसके बाद आगे आप इस बेंच में भी छुप सकते हैं, ये देखिए आप इस बेंच के नीचे भी छुप सकते हैं। ग्रैनी का वेट कीजिए, ग्रैनी आती है तब। तो जैसे ही ग्रैनी आती है आप इस बेंच के नीचे छुप सकते हैं। देखिए ग्रैनी आ रही है, आपको करना ये है बस बेंच के नीचे चले जाइए, आप यहाँ छुप जाएंगे। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें आपने जाना कि एंटमैन बनने के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं घर में। तो भाई वादे के मुताबिक मैं शॉर्ट आउट दूंगा, तो आज दो लोगों के लिए मैं शॉर्ट आउट देता हूँ। पहले है हमारे हिंदुस्तान गेमिंग भाई, भाई ने कहा है भाई माइनक्राफ्ट भी खेलो। बिल्कुल खेलूंगा भाई मैं माइनक्राफ्ट, वो भी एक नए सरप्राइज के साथ में, वो आगे आप देखिएगा, कुछ नई चीज ट्राई करने वाला हूँ, आप बाद में जानेंगे इसके बारे में। तो सेकंड है नमन शर्मा, नमन शर्मा ने कहा ईस्ट और वेस्ट गेम पोर्टल इज द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अगर आप भी चाहते हैं शाउट आउट होना और मेरे वीडियो में आना, तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हो सकता है अगला लकी नंबर आपका भी हो मेरे वीडियो में आने का। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपका प्यार देने के लिए थैंक यू।